हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीपल मोहित सिंधव। आज हम पोटैटोज़ की ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो और शाम को आप नाश्ते में खा सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है रेड मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, आधा नींबू, काला नमक, और यहाँ पे मैंने शुगर को क्रश कर लिया है मिक्सी में, नमक ले लिया है और 5 से 6 पोटैटोस लिए हैं और ऑयल ले लिया है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ऑयल को गरम करने के लिए रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑयल को गरम होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हम इसके पोटैटोस के छिलके निकाल देंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाले हैं। और यहाँ पे मुझे जो बनाना है नाश्ता, उसके लिए मुझे एकदम हाई फ्लेम पे ऑयल गरम होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और पोटैटोस के मैं सब पोटैटोस के छिलके निकाल दिए हैं। अब इसे हम ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। अगर आपके पास उसका स्लाइसर हो पोटैटोस का ऐसे टुकड़ों में काटने वाला, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने हाथों से काट रही हूँ। ये सारे पोटैटोस को मैंने इसे टुकड़ों में स्लाइसेस में काटने के बाद में यहाँ पे ये सारे पोटैटोस को गरम तेल में डाल दूँगी और ऐसे बीच बीच में उसको हिलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम है हम हाई ही रखेंगे। मैंने यहाँ पे अपनी कढ़ाई है वो थोड़ी सी चेंज कर दी है, वो छोटे गैस पे था, यहाँ पे मैंने बड़े गैस पे कर दिया है। इसको हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है ताकि वो थोड़ा सा कम ऑयल पिए, और उसे हम लोग थोड़ा सा ऐसे स्लाइसेस को थोड़ा सा रेड होने देंगे। पोटैटोस की स्लाइसेस है वो थोड़ी सी रेड हो जाए इस तरह से, उसके बाद उसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग उसमें मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, काला नमक डाल देंगे, धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, रेड मिर्च पाउडर डाल देंगे, हमने जो शुगर है उसे क्रश करके रखा था उसे डाल देंगे, उसके बाद उसमें आधा नींबू निचोड़ लेंगे, अगर आप चाहे अगर आपको अच्छी लगे तो आप और भी उसमें शुगर या नमक डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना शुगर डाला है। अब इन सारी चीज़ों को, सारे मसालों को स्लाइसेस पोटैटोस की स्लाइसेस के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और उसे सर्व कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप इसे बनाइएगा, खाइएगा और अपने एक्सपीरियंस है वो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।